ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯਾਰਾ ਦੇਸੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੁਜਮ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਹਾਂ ਜਾਗੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੁਜਮ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਐਲੋ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਗੁਣ ਫਤਲਾ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਲੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम जी। जदी मैं डायरेक्टर प्रिंट गैलरी फैसलाबाद लाइव आपके साथ तोबे में जी हसबे वादा नामवर छतों के साथ जदी हाजिर है जी। शौक करवाएंगे और उस्तादों से मिलवाएंगे। आज के फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको नामवर उस्ताद मोहतरम उस्ताद बाजवा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं जी गुजरांवाला से जी। सफदर बाजवा एक नाम है, एक ब्रांड है और पंजाब कप के हवाले से काफ़ी छतों से उनका वन टू वन मुकाबला तय हो चुका है, उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि उस्ताद मोहतरम से कहूं कि कुछ चंद बर्ड भी दिखाएं। एक दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं उसमें उनका भी जिक्र किया जाएगा। आज जनाब उस्ताद सफदर बाजवा साहब मेरे साथ हैं जी। कुछ दोस्त फैसलाबाद के अपनी समुद्री से तशरीफ़ लाए हैं जी और उनके साथ खुर्रम भाई भी होंगे। दिखाते हैं आपको, अकमल मेरे साथ है जी जिनकी छत पे ये सारा शौक इंशाल्लाह होगा जी। चलें जी गुल लेके आए यार। जी नज़दीक कर उस्ताद मोहतरम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम गुल भाई, ऑडियो वीडियो ठीक है जी? किसे दोस्तों पूछ लो कि ऑडियो वीडियो ठीक है, उस टाइम कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता पे? ऑडियो कैसी है, वीडियो कैसी है, दोस्तों को पूछो किसे जी। दोस्तों मैं रिपीट करता चलूँ कि इस वक्त मैं टोबे में मौजूद हूँ जी। उस्ताद सफदर बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। पंजाब कप में बड़ी नामवर छतों के साथ वन टू वन मुकाबले तय हो चुके हैं, उनके हवाले से कुछ अपडेट जो अभी चल रहा है सिलसिला, उसमें कुछ शौक के हवाले से कुछ बर्ड दिखाए जाएंगे आपको जी। ठीक है, क्या कह रहे हैं दोस्त जी? कैसी है जी आड़ी वीडियो, ठीक आ रही है जी? वीडियो ठीक आ रही है जी? बिल्कुल ठीक। चलो जी ठीक है जी। जी उस्ताद मोहतरम मेरे साथ हैं जी अकमल भाई जी। अकमल भाई आ जाए जी इधर शौक करेंगे जी। अकमल भाई शिगिर्द हैं जी उस्ताद सफदर बाजवा साहब के जी। पीछे जनाब मास्टर अब्बास साहब समुद्री से इनका तल्लक है जी और बहुत पुराने शौकीनों में इनका शुमार होता है जी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इसमें बाद में देंगे आपको। पीछे खुर्रम भाई बैठे हुए गुजरांवाला से साथ आए हैं जी, उस्ताद मोहतरम के साथ ही होते हैं जी। और इधर अपने मियां तार साहब हैं जी, चैम्पियन है जी समुद्री असू के जी। असू जी जेठ के जी, जेठ चैम्पियन है जी। और पीछे बजरुख शीर रखते हैं जी मोहम्मद आजम
आजम साहब भी तशरीफ रखते हैं जी, ये तोबे से इनका तलका जी जी, और निशान एक निशान भाई बैठे हुए हैं जी। चलो जी काके सारा नहीं कहते, इधर आओ इधर आओ काके भाई, इधर आओ जी। ठीक है जी जी, सादे मोहतरम जी, शौक का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा बिल्कुल, और जब तक जिंदगी है बिल्कुल ऐसी है, जब तक जिंदगी है शौक का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें इस बार जो पंजाब कप के हवाले से आपने वन टू वन मुकाबले तय किए उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि ये काफ़ी चक्के ज़्यादा हुई हैं जिसमें आपके वन टू वन मुकाबले हो रहे हैं, इससे पहले भी इतनी चक्कों से मुकाबले किए हैं, वन टू वन किया पहली बार इतनी चक्कों से मुकाबले हो रहे हैं जी भाई जी। इतने खिलाड़ियों से मेरा मुकाबला है जी, मुझे कोई एक दो खिलाड़ी हैं पुराने जिनसे मैं मुकाबला शौक करता आ रहा जी। ठीक है, इतने इतना ज़्यादा नहीं, मेरे लिए सब दोस्त क्यों है ना, मेरे लिए नए हैं, और ये तोबा टेक सिंह में भी शौक मेरा नया है जी, और मेरे शरीर का शौक है अकमल का, अकमल का सर दिल करता है कि साथ ही मेरे को नामवर खिलाड़ियों से मेरा मुकाबला तय करवाओ, तो मुकाबला मैंने इसका तय कर दिया है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा दोस्तों और शौकीनों को ना इस मुकाबले का मज़ा आएगा इंशाल्लाह, अच्छी परवाजें देखने को मिलेंगी, हार जीत जिसके नसीब में होगी तो उसी को मिलेगी, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी मेहनत भी रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह जी। सारे मोहतरम ये शौक हार और जीतने के लिए नहीं किया जाता, शौक के लिए किया जाता है। नहीं भाई मैं तो जीतने के लिए करता हूँ जी, ये तो ये दिल में बात नहीं रखी हार, ये तो हमेशा ही हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो जीते, ठीक है ना जी, अगर जीत और हार दोनों नसीब में है ना, हार भी हो सकती है जीत भी हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश हमेशा जीत की होती है जी, ऐसे ही है ख्वाहिश होनी चाहिए भी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे दी, हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दें, हम फिर आपके पास आएँ और पूछें कि उस्ताद मोहतरम आपने ये आपने गेन किया है इस सिलसिले में। अच्छा उस्ताद मोहतरम एक बात और है, ये जो वन टू वन मुकाबले हो रहे हैं अभी पंजाब में, अब जंग में आपके मुकाबले तय हुए हैं, गुजरांवाला में तय हुए हैं, फैसलाबाद में नावर छठे में एक दो शाम वाले से, ठीक है, और गुजरांवाला में कोई नहीं, गुजरांवाला में कितनी छठे हैं आपके साथ वन टू वन मुकाबले? देखो जी भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं गुजरांवाला का शौक, अच्छा बिल्कुल, मैंने बेशुमार शौक अपने इसमें का कर, अब मेरे शिगिर्द जो है ना वो मेरे जैसे ही है, वो शौक कर रहे हैं जिसमें सरेफरत राणा जहांगीर है, हर किस्म के मुकाबले कर रहा है, लेकिन अब मैं दोबारा इंशाल्लाह जो मैंने शाहपुर में मुकाबले किए तय किए वो मैंने नई छत खोली अपनी जी, और शौक के लिए मैंने ये छत का नाम मुंतखब किया जी। ठीक है, इंशाल्लाह गुजरांवाला और सियालकोट के लोगों को ना इसमें भरपूर दरवाजे देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, और शकीन हजरात को मज़ा भी आएगा। अच्छा साथ मोहतरम ये आप इतनी दूर गुजरांवाला से तोबा में ये छत अकबर भाई की छत पे शौक कर रहे हैं, खास वजह थी इसकी, ये छत ज़्यादा तैयारी वाली थी या गुजरांवाले में जो छतें अभी आपकी नहीं तैयार हो रही हैं या फरमा रहे हो तो इसमें ज़्यादा मज़ा है इधर या इसके मौसम के हवाले से या कोई ऐसी बात है? नहीं ऐसी ना तो मौसम की बात है, लेकिन मैं दिल करता था टोबे में शौक की कुछ कमी है, ठीक है, तो ये मैंने देखो मैंने फैसलाबाद में भी शौक किया ये आगे जाने का मेरा इरादा है, ऐसे ऐसे आगे जाता जाऊँगा शौक के, ठीक है, और शौक की खुशबू बखेरता जाऊँगा जिस बिल्ला क्यों नहीं जी क्यों नहीं, इसके अलावा उस्ताद मोहतरम वर्ड आपके पास बहुत अच्छे हैं जी, खैर देखें बड़े उस्तादों के पास इतनी मेहनत की होती है, इतनी रियाजत की होती है, आप एक इर्तका के साथ कबूतर रखते हो, यानी कि एक एक करके आपने एक अपने कहलो के मेहनत से एक क्रीम तैयार की होती है, उसमें कुछ हमें और हमारे व्यूवर्स को
जो आपको देख रहे हैं उनको वो खास कबूतर जो आपको बहुत पसंदीदा आपके कबूतर हैं उनका कुछ शौक करवाएं। फिर एक ना सवाल मेरे और हैं उसके बाद, ठीक है जी, कुछ वो दिखाएं आप हमें। हाँ जी जानी है राजा काका, ले आओ यार मादियाँ सार की जो पसंदीदा मादी है। अकमल भाई साथ बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल दोस्तों से साथ साथ बात कर। अकमल भाई शिगिर्द हैं जी उस्ताद मोहतरम के जी। अकमल भाई आप अच्छा शौक कर रहे हो और आपने ये जो अभी चुनाव किया है शौक के हवाले से पंजाब की नामवर शख्सों से आपका शौक तय हुआ है, इसमें यकीनन आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। यही शौक होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे उस्तादों से खेलेंगे, अच्छे अच्छे उस्तादों के साथ आप अपनी बाजियाँ तय करेंगे और आपको हार जीत आपके नसीबों में आएगी। तो हार जीत दोनों होती है ना, दोनों होती हैं। वैसे हमारे मोहतरम उस्ताद फरमाया करते थे कि हम जीतने के लिए नहीं, हार जाएं तो ठीक वो भी कबूल है, लेकिन अगर जीत देता है तो मालिक को फिर ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है जी। लेकिन दोनों में जो आपका आएगा आप नामवर ज़रूर होंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो कहते हैं ना बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो भी तो नाम होता है ना। लेकिन ये है कि नामवरी तब है कि जब उस्ताद मोहतरम इतना बड़ा नाम है जी, ब्रांड है, और आप इनका नाम रोशन करें, इनकी शागिर्दी आपके पास है जी, ठीक है जी। और जैसे जैसे आप शौक को आगे बढ़ाते जाएंगे आपके हिस्से में ज़्यादा हिस्से आएंगी, आप बाहर भी पहचाने जाओगे इधर भी पहचाने जाओगे। कुछ कहेंगे इस सिलसिले में जी, कैमरा आपको देख रहा है जी। अस्सलामुअलैकुम जी, इंशाल्लाह ये अच्छा शौक होगा जो तो टेक सिंह से मजा साहब की शफकत हमारे साथ है जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा शौक होगा जी। ठीक है, अच्छी परवाजें मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस बार तो आपकी तैयारी माशाल्लाह आपके स्टेटस के मुताबिक आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है जी, ठीक है। आपका ख्याल है कि हम बड़े मुतमिन हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी जल्दी वाली, या छत नई नई तैयार हो रही थी उस वक्त जी, ऐसे ही था। फिर भी हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर भी अच्छी, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया पिछली बार, नंबरों में जी कुल लेके कैमरा लगा ला तो उतार ला, ठीक है, मैं अखा खुद खा जी जी। उस्ताद मोहतरम केड़े परिंदे ने जी, ये आने वाले वक्त में छे परिंदे ने जेड़े तैयारी लगे मैं थानो खाना, ठीक है जी, इंशाल्लाह जी इनमें इंफॉर्मेशन है माशाल्लाह। इनन ये अभी पट्टे हैं, ठीक है, इनन कहंदे की उनन की नाम था जी, ये सलारे सलारे कबूतर, इनन पंजी नंबर फोन करा तुहाडे घर दे 25 नंबर सलारे कबूतर ना मेल है ना, हां ठीक है जी। लो जी लो जी मैं पैर तो शुरू कर दा जी, उस्ताद मोहतरम दे सलारे 25 नंबर क्रॉस नाल जी लाजवाब जी तैयारी के मराहल से गुजर रहे हैं जी, इंशाल्लाह लंबी परवाजें देंगे इस डेट में इंशाल्लाह, ठीक है जी। ले जी अगर मेरा कैमरा आपको दिखाया जी, ठीक है जी, ठीक है जी, इसकी ये दुम है जी इसके लिए, ठीक है जी। और ये इसका जी फ्रंट है जी, आप देख लें जी, उस्ताद के 25 नंबर प्लस लालों का मेल जी, ठीक है जी। इसकी आई इधर से दिखाएंगे या उधर से जी, इधर से दिखाऊं जी, जी सारे मोहतरम ये कब से उड़ रहे हैं जी आपके पास जी? ये बच्चे मैंने छोड़े थे, अब तैयारी लग गए हैं, इंशाल्लाह जेट के लिए इनसे तैयारी कर रहे हैं। अभी जो अपना मुकाबले में खिलाड़ी उतारे हैं ना, मैं उन्हें दिखाता हूँ जी। ठीक है, उतार यार मैंने मज़ा नहीं आ रहा,
उतार इन कैमरा तो मैं इतने ना नजदीक लिया अपना गाला सारा लिखा फिर दोबारा कर दो मैं ला ही लै जी साज ना हले जी फड़ना जी जी उस्ताद मतलब ए केड़ी रही जी ए टैड़ी और कमगर क्रास अच्छा जी ए टैड़ी कमगर क्रास है जी दोस्तों ये टैड़ी कमगर क्रास जी उस्ताद जी ये तैयारी के मराल से तकरीबन गुजर चुके हैं जी अब शुरू होंगे परवाजों के लिए जी हाँ जी दिखाएं जी इसके जी ये कुंदा दिखाएं इसके जी ठीक है जी और ये इसकी आंखें दिखाएं जी ये देखें जी माशाल्लाह जबरदस्त क्या बात है ठीक है जी अच्छा ये इसके पंजे भी दिखाएं जी ठीक है जी अच्छा उस्ताद मोहतरम ये कमगरों का मेन लाजमी है इसमें कमगर के ना लाजवाब परवाजी बहुत इसमें दो बातें जाती हैं नाम होता है तो नाम होता है बिल्कुल ऐसे इन कबूतरों ने कमगर सबसे ज़्यादा उसका नाम कमगर का ही दिया गया ये कबूतर है लेकिन उस्ताद मोहतरम इसमें कमगरों के हवाले से शुनीद है मैं उसमें दावा कोई नहीं करता ये लाल आंखों वाले नहीं थे हाँ। इसमें आप मेरी बात की टाइप कर बिल्कुल कबूतर आपका शुक्रिया आपने तस्दीक किया मेरी बात की क्योंकि मैं लाल आंखों वालों को कमगर नहीं कहता ठीक है जी वैसे जैसे ये कह रहे हैं लोग इसमें ये कबूतर जो आपने दिखाया है इसकी आंखें लाल कम है इसमें कलेजीपन ज़्यादा है थोड़ा सा जी जी ठीक है ना ऐसे ही है ना जी क्रास है ना क्रास है इसमें ठीक है जी अच्छा उस्ताद मोहतरम ये आपने दो बर्ड मुझे दिखाए हैं और भी दिखा रहे हैं कोई जी मैं एक दो ठीक है जी जी दोस्तों दिखा रहे हैं जी इसको छोड़ दें स्टैंड पर इसका ये एक दो एक चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ एक दो चीज़ें ये दिखाएँ इसके बगल भी दिखाएँ जी और इसके सेंटर वाले पर और एंड वाले पर भी दिखाओ इसके जी ठीक है जी ठीक है शुक्रिया शुक्रिया जी उस्ताद मोहतरम दिखाएंगे जी जी उस्ताद मोहतरम दिखाएं जी क्लोज करें असू वाले मुकाबलों मैंने ये कबूतर तैयार कर असू के लिए जी? हाँ ये बटेरा और कसूरी क्रास सियालकोट ये कसूरी क्रास ठीक है बटेरों में कौन से टैड़ी बटेरा ठीक है जी ठीक है जी जी दिखाएं जी आराम से थोड़ा से जी देखें जी जी उस्ताद मोहतरम बहुत शौक फरमा रहे हैं जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी इस वक्त जी ये भी आज़ाद होते हैं बड़े उस्तादों को सीखने का मौका मिलता है जी उस्ताद मोहतरम इसकी आंखें भी दिखाएं क्लोज अप में थोड़ी सी दिखाएं यार इसकी बहुत खूबसूरत आंखें हैं जी दोस्तों को पता चले कि ये अब क्या हो रहा है लेटेस्ट क्या हो रहा है बड़े साथ क्या कर रहे हैं जी शुक्रिया अच्छा उस्ताद मोहतरम एक मिनट इधर रखें जी अभी ये कबूतर इधर इधर लेके आएंगे अब्बास आप पकड़ लो यार ये मैंने तीन चार कबूतर आपके अभी तक देखे हैं उस्ताद मोहतरम ये अभी अभी और आया जी मतलब आप बैठ जाओ आ जाओ ये मैं दिखाऊंगा यार दिखाओ मुझे दिखाओ गल मैं दिखाता जी उस्ताद मोहतरम हाँ जी ठीक है जी उस्ताद मोहतरम ये कौन से हैं जी और किस तरह में जी सियालकोटी और कसूरी का कसूरी में जी ठीक है जी लेकिन दोस्तों इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं इस बर्ड के दिखाते हैं जी इसमें उस्ताद मोहतरम ने क्या आर्टिशन की है जी ये जी क्या आला जी क्या बात अच्छा उस्ताद मोहतरम ये तीन चार बर्ड मैं देख चुका हूँ जी इस वक्त जी इसमें कोई हैवी वेट कबूतर नहीं एक मिनट
ये भी मुझे दे दें, अभी दे दें, ये मैं तीन चार बर्ड देख चुका हूँ आपके लिए। अगर कबूतरों के हवाले से कोई गुफ्तगू की जाए, ये बाद में दिखाते हैं कि देखिए बिल्कुल लाइट वेट है, इसका वज़न ही कोई नहीं है, ठीक है जी, इस ना इसका वज़न है और ना ये साइज़ बड़े में है। ये खुद इसको बनाते हैं इन मौसमों के लिए तैयार करने के लिए, या कि ये मौसमों के लिए एक तो ये अभी बचे हैं जी, ठीक है, इनकी उम्र 8 महीने, ठीक है, ये अगले साल इसके थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएंगे, कद भी बड़ा हो जाएगा और वजन भी, लेकिन इतना कद बड़ा तो नहीं होगा इसका, नहीं इतना नहीं होगा। इस वक्त जो सिलसिले मौसमों के चल रहे हैं ना, हाँ जी, मैं से ऐसे ही राकड़ना चली कबूतर रखते हैं, बिल्कुल ऐसी ज़्यादा टाइम हवाओं में और बारिशों में मुकाबले करने पड़ते हैं जी, ऐसे ही ऐसे। अच्छा इसमें इसमें ये दिखाते हैं, ये ले, ये बहुत खूबसूरत बर्ड बने हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ जी, और ये जितने भी मैंने अभी ये कबूतर देखे हैं आपके, इनके जो खुंदे हैं वो दुमों से छोटे हैं, क्यों? मुकाबले के लिए थोड़ा सा फिट होना पड़ता है, हज़ार लंबे होंगे तो नहीं लड़ेंगे मुकाबले। ये बात सुन लें जी, ये मैंने बात स्पेशल इसलिए किया है कि दोस्तों को सीखने का मौका मिले, ये इतनी बड़ी बात है कि लोग तवज्जो करें एक साइज़ पे, ये जो बात हो रही है एक साइज़ पे बात हो रही है, और एक ये जो मैंने दुम से छोटे पर की बात की है, बाकी मर्जी आपके खिलाफ 100 हो सकता है जी। ले जी दिखाएं, ये बहुत ही खूबसूरत मेरे पसंदीदा ये कुंदे हैं, बिल्कुल ये सियालकोटी है जी, और बटेरा और मोती वाला करार, ये जी मेरा पसंदीदा कुंदा है जी, पता नहीं दोस्तों के टेस्ट अपना होता है, ये मुझे बहुत पसंद है जी, ऐसे कुंदे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। ये इसकी आंखें दिखाते हैं उस्ताद मोहतरम की, ये घर की ब्रीड है जी, और अच्छा अच्छा बनाया सिलसिला इसमें सारा, एक मिनट जी, ये जी ठीक है जी, ठीक है, ये पंजे भी दिखाओ यार, इसमें कोई ख़ास उस्ताद मोहतरम ने क्या किया है जी इसमें, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम इसके पंजे भी छोटे छोटे हैं साइज़ के मुताबिक, जब आप थ्रू आउट ये चीज़ें बनाते हो, जैसे ये बर्ड बनाया आपका, वो वाला बनाया 25 नंबर वाला बनाया था, इसमें सब चीज़ों को उसी तरह ही साइज़ में लेके आते हैं जी, बिल्कुल कोशिश यही होती है, ये चाहे सियालकोटी हो चाहे कसूर अजाए कैसे हैं, ठीक है, उसमें उसमें कल जोड़ों के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, जोड़ों के क्रॉस के लिए नहीं, ठीक है, जोड़ा लगाने का मतलब अभी और वो आर्ट कोई और है, अच्छा ये उड़ाने का, ठीक है, यानी कि ये जो बर्ड हम देख रहे हैं सारे उड़ाने उड़ाने वाले, हाँ ये मैंने क्रॉस करके उड़ाने वाले बनाए हैं, बहुत सारा बात। अच्छा उस्ताद मोहतरम ये तो सारा मामला हो गया जी, कुछ शौक शौक से हट के अभी सवाल मेरे 2-3 रहते हैं, चले आए मुझे। अच्छा कुछ बातें तो पहले से होंगी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी थोड़ी सी है, ये कैमरा करें जी मेरे भाई की तरफ जी, जी मास्टर अब्बास साहब की तरफ से ये कैमरा करें जी, आ गए जी मास्टर अब्बास साहब दिखाएं जी, जी मास्टर साहब हाथ उठा दें जी, ठीक है जी, जी मास्टर अब्बास साहब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी, कुछ दिनों में उस्ताद मोहतरम की शागिर्दी में आ जाएंगे जी इंशाल्लाह ताला जी, और मेरी कोशिश होगी कि ये प्रोग्राम मैं करूं, ठीक है, जब भी ये उस्ताद की शागिर्दी होगी और उस्ताद मोहतरम को मैं घर शौक करवाने के लिए भी लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, इस प्रोग्राम जेड़े भी मीडिया वाले आने ना, हां जी उन्हें अपने तरीके ना होना पड़ेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, साफ गल है, तो कोई मसला नहीं है, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡ ਬੈਠਕਾ ਮਾਰੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਭਾਈ ਬਾਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਵੈਲਕਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਲ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੱਥੇ ਮੁੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਕਪਸ਼ਪ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਮੌਸਮ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਹੋਰ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਟੋਬਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਕਮਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਕਮਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿ ਛੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਜੀ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖੇਡਿਆ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਬਲ ਭਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਟੋਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਟੋਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੋਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਟੋਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਆ ਆਇਆ ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟੋਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਜੇ ਅਕਮਲ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟੰਡ ਨਾਲ ਟੋਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜੀ? ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੀ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਜੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਇੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਵਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਛੋੜ ਕੇ ਟੋਬਾ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਟੋਬਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੋਇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਚੰਗ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜੀ, ਅਕਬਲ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਟੋਬਾ ਗੋਜਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਔਰ ਚੰਗ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੈਅ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1-on-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਟੋਬੇ ਦਾ, ਗੋਜਰੇ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ, ਚੰਗ ਦਾ, ਉਹ 1-on-1 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਲ ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਫਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਅਕਬਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਛੋੜ ਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ
दोस्त अहबाब छोड़ के 15 तारीख तक 15 सितंबर 2020 तक अकबल भाई से 1-on-1 मुकाबलों के लिए मुकाबले तय कर सकता है, उसके बाद में ठीक है जी। जी उस्ताद मोहतरम जी, बढ़िया बाजियाँ खेली, बड़ा शौक खेला, बड़ा मज़ा आया शौक का। हरीफा चो हरीफ कड़ा अच्छा लगा, हलीफा चो हलीफ कड़ा अच्छा लगा, यानी कि जेड़ा मुखालफ कड़ा अच्छा लगा ते दोस्त कड़ा अच्छा लगा। ये मेरे हरीफ मेरे जेड़े जो भी है ना मेरे गुजरा जी ठीक है बिल्कुल। बाकी पंजाब है जेड़े को मेरे ना शौक जिन्ना कीते रहे जां को तय कीते रहे जी ठीक है, वो मेरे नए दोस्त ने शौक होगा तो मैं उन्होंने बारी तो नहीं पिछले पिछले दोस्त जिन्ना तुसी बातियां कर दिया जी होंगे तुसी गुजरा दे आके मैं सवाल करे तुम दसा अपने कीमती टाइम बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू अच्छी हुई है, कुछ दोस्तों गुफ्तगू न सीखने का मौका भी मिले। मकसद जो भी प्रोग्राम करता उस ज़्यादा तो ज़्यादा गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, गल् उ ने बार बार रिपीट की जाए ने कि दोस्तों वे उस्तादा के मुँह चो निकले हुए लफ्ज़ जो वो सुन उन्होंने उन्होंने तो सीखने का मौका मिले ताकि वो अपने आप में ग्रो कर सकें ठीक है जी। मैं जनाब उस्ताद मोहतरम वालों जी भाई अकमल वालों मियाँ तार साहब वालों भाई खुरम साहब तशरीफ लिया ने नाल उस्ताद मोहतरम नाल भाई अब्बास वालों तुहाडा शुक्रिया अदा करदा जिन्हां जिन्हां दोस्तों ने सानूं वाच किया जी। जल्दी फिर आएगा इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज़।